ये सिस्को बॉल एक गेम है जो अर्जेंटीना में 100 साल से ज़्यादा पुराना गेम है, जिसको हम इंडिया के अंदर प्रमोट कर रहे हैं लगातार 5 साल से। और पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ DPS और चेयरमैन रहमान खान और उनके डायरेक्टर मंसूर का, जिन्होंने 2 बार लगातार DPS के प्रीमिसेस में। IT शहर बेंगलोर में 3 रोज़ा नेशनल सेस्टो बॉल चैम्पियनशिप का आगाज हुआ है। फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर के रहमान खान ने 1 अक्टूबर 2022 को दिल्ली पब्लिक स्कूल साउथ में 4th सीनियर एंड जूनियर नेशनल सेस्टो बॉल चैम्पियनशिप का इफ्तिताह किया। दिल्ली पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर मंसूर अली खान, मशहूर एडवोकेट श्याम सुंदर और दीगर इस प्रोग्राम में मौजूद थे। सेस्टो बॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया और एशिया के सदर BS रफीउल्ला ने कहा कि सेस्टो बॉल तकरीबन 100 साल पुराना खेल है जो अर्जेंटीना से शुरू हुआ है। पिछले चंद सालों से ये गेम तेजी के साथ इंडिया में पॉपुलर हो रहा है। इस 3 रोज़ा चैंपियनशिप में मुल्क की तकरीबन तमाम रियासतों से 1200 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है। इस मौके पर एडवोकेट श्याम सुंदर ने अपनी जानिब से मध्य प्रदेश और राजस्थान की टीमों के लिए 10,000 रुपये कैश प्राइज का ऐलान किया, जबकि इस चैंपियनशिप में रनर्स अप आने वाली टीमों को 20,000 रुपये देने का ऐलान किया। सेस्टो बॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के जिम्मेदारों ने इस खेल के फायदे और अपॉर्चुनिटीज पर रोशनी डाली। पेश है जुनूबी न्यूज की रिपोर्ट। ये एक नेशनल लेवल का सेस्टो बॉल का जो एक नया खेल है, ये नया गेम अभी पॉपुलर हो रहा है और बड़ी खुशी की बात है कि इतना जल्दी ये अर्जेंटीना से आकर यहाँ इतना जल्दी ये पॉपुलर हो गया है गेम। और अच्छे पूरे हिंदुस्तान से इसमें नुमाइंदगी है, कम स्कूल गेम्स में आ गया है ये। कोई भी खेल अच्छा है, यानी नए नए खेल अब ईजाद हो रहे हैं, उससे लोगों में बच्चों में एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट पैदा होती है और अच्छा है ये कि ऐसे नए नए खेल आए। तो मुबारकबाद है कि यहाँ कॉम्पिटिशन सारे हिंदुस्तान के कोने कोने से पूरे स्टेट रिप्रेजेंट किए हैं, तो एक एक जैसा एक नेशनल गेम और होता है इस तरह से ये गेम हो रहा है, बहुत खुशी की बात है। बहुत कोई भी खेल बहुत इम्पॉर्टेंट है ना, वर्जिश खेल जो है कॉम्पिटिव, इसमें क्या है वी लर्न द हैबिट ऑफ लूजिंग, बिकॉज ओनली 1 or 2 पीपल विन, द अदर्स विल हैव टू लूज। सो एक स्पिरिट आ जाती है कि हार एक दब्बा नहीं है, हार इज ए पार्ट ऑफ लाइफ, ये सीखते हैं हम स्पोर्ट्स में। देखिए क्योंकि DPS बैंगलोर में एकेडमिक्स ब्रिलियंस के लिए जाना जाता है और स्पोर्टिंग ब्रिलियंस के लिए भी, और सेस्टो बॉल जैसा गेम ये एक वेरी एक्टिव और इम्पॉर्टेंट स्पोर्ट्स है और फास्ट ग्रोइंग स्पोर्ट्स है। क्योंकि आप देखें तो सेस्टो बॉल रफीउल्ला साहब और उनकी टीम बैंगलोर में जो कर रहे हैं, कर्नाटक में कर रहे हैं, 1200 बच्चे हैं इधर, और ये स्पोर्ट्स आइंदा जाके ओलंपिक्स में शामिल होगा। और यही बच्चे कौन जानते हैं कि अब कुछ ही साल में ओलंपिक्स जाके मेडल लेके आए। और स्पोर्ट्स आज जो आप माहौल देख रहे हैं देश में, अगर बच्चों को ऐसे स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व रखें तो बहुत चीज़ें रिजॉल्व हो जाएंगी, कि बच्चे का पॉजिटिव आउटलुक रहेगा, जो फ्यूचर जनरेशन आएगा उन्हें पॉजिटिव लेंगे और देश की उन्नति होगी। सो इसीलिए दिल्ली पब्लिक स्कूल और सेस्टो बॉल फेडरेशन का कोलैबोरेशन आइंदा भी होगा, और हम एक वादा भी कर चुके हैं कि सेस्टो बॉल को हम लोग भी प्रमोट करेंगे। सो इसीलिए रफीउल्ला साहब और उनकी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद देनी चाहिए उनका एफर्ट और
ವಿಲ್ ಕೆ ಲಿಯೆ ಹಲವು ಹತ್ತು ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಮೊದಲನೇದಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸೆಸ್ಟಬಾಲ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೆಸ್ಟಬಾಲ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ವೆರಿ ಗ್ರೇಟ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಹೋಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ದ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಅಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಲೆವೆಲ್ ಫಾರ್ ದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಲ್ಸೋ ಟ್ರೈಡ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ದ ಸೆಸ್ಟಬಾಲ್. Unlike the air balls, the balls filled with air, this is a bit heavier ball and a hard ball, and it's actually a great sport. And I am sure cestaball is going to one fine day outrace other sports, especially the team sport being it should outrace other conventional sports. And I wish all the best for all the participants here, and it's such a lovely thing to see so many teams all across the country participating. It looked as good as RDP Republic Day parade, and I wish all the best for all the sportspersons who have come here, and I wish everyone should try their best to get triumphant. All the best. In order to keep their sporting spirits high, I have made some small cash prizes. Of course, the marching was done. Rajasthan and Madhya Pradesh did a great marching with lot of discipline, with lot of commitment. That's the reason I have made some small cash prize announcement, and I have also made a cash prize announcement for the runner-up team. And we are always here, whatever we can to encourage the sports, we are always there. And I think I am a part of the sporting, because I myself is a sports enthusiast, though I am a lawyer. I wish all the best cash for them. Yes, 10,000 cash prize for Rajasthan and Madhya Pradesh, because their marching was very good, and 20,000 rupees cash prize for the runner-up team. Of course, winners will somehow or the get will be, they'll be blessed with more. That's the reason, to keep their enthusiasm spirits high. Thank you. I'm Sam Sundar, senior advocate. Sistoball ek game hai jo Argentina mein 100 साल से ज़्यादा पुराना गेम है, जिसको हम इंडिया के अंदर प्रमोट कर रहे हैं लगातार 5 साल से. और पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूं डीपीएस और चेयरमैन रहमान खान और उनके डायरेक्टर मंसूर का, जिन्होंने दो बार लगातार डीपीएस के प्रीमिसेस में हमें अकामिडेशन और दूसरे एहतियात का इंतज़ाम करके इस गेम को इंडिया में प्रमोट करने के लिए हमें एक बहुत ही एक बैकबोन जैसा सपोर्ट किया, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूं. और यहां पर हिंदुस्तान के कोने कोने से लगभग 1200 से ज़्यादा बच्चे इस गेम को खेलने के लिए यहां पे आ रहे हैं. 4 साल से ये गेम ऑल ओवर हिंदुस्तान के अंदर दूसरे स्टेट्स के अंदर खिलाया है, और ये बेंगलोर में 4th नेशनल जूनियर्स एंड सीनियर्स खिलाया जा रहा है. ये कब से शुरू हो रहा है और कब तक ये चलेगा टूर्नामेंट? ये लगातार 31 और 2 तारीख को 3 दिन लगातार गेम में चलेगा का बेंगलोर के अंदर. ये किसके तरफ से होगा? ये फेडरेशन के, सिस्टोबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से यह गेम यहाँ पर मुनाकद किया गया है. ये कब से शुरू हुआ है गेम, और क्या इसकी लाइफ रही है, और आगे क्या फ्यूचर है इसका? ये गेम जो है थ्रो बॉल और बास्केटबॉल मिक्सड गेम है, ये जो सिस्टोबॉल कहा जाता है. इसके कई सारे जिस तरह दूसरे गेम्स भी हिंदुस्तान के अंदर हैं, उसी तरह इस गेम में भी फायदा है. ये बच्चे एक्टिव रहते हैं, जिस तरह बास्केटबॉल में खेला जाता है उसी तरह इसको भी खेला जाता है, तो बहुत एक्टिव महसूस करते हैं बच्चे, और ये बहुत पुराना और फायदेमंद गेम है. ये पहली बार हो रहा है बेंगलुरु में? ये बेंगलुरु में दूसरी बार हो रहा है. ये चौथा गेम है, 2 बार पंजाब में हुआ और 2 बार कर्नाटक में, ये दूसरी बार हो रहा है. हुकूमत से मदद मिलती है इसके लिए? अभी तक तो हुकूमत से कोई हमने मदद नहीं ली है. अभी इस बार स्कूल गेम्स ऑफ इंडिया में हमारे गेम को रिकग्नाइज किया है, बहुत जल्द यूनिवर्सिटी गेम्स में भी ये गेम आ रहा है, उसके बाद स्कूल का हुकूमत से मदद मिलेगी. जल्दी ओलंपिक्स में गेम शामिल होने वाला है. हमने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को भी रिप्रेजेंटेशन दिए लास्ट मार्च में, और यूनिवर्सिटीज़ को भी रिप्रेजेंटेशन दिए. स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंटेशन दिया था, वो लोग हमको रिकग्नाइज किया है, और मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी हमारा फाइल जमा किया है. हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स उसको एग्जामिन कर रहे हैं,
हमारा गेम का क्या स्टेटस है इंडिया में, क्या स्टैंडर्ड है, वो सभी देख हमें बहुत जल्द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर से भी हमको मान्यता मिलती है। मोहम्मद आखिर सेक्रेटरी, मैं सेक्रेटरी जनरल सिस्टर बॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया। Unlike all the games, this game is also very special, and you can see the popularity of the game. So, as this is the fourth national level championship, we can see 28 state teams participating, taking part in the championship, and there are 1,200 footfall which is going on in Bangalore. So, right now we have got a recognition from School Games Federation, SGFI. So, we'll be doing orientation in the upcoming days. So we are going with a orientation program. We are following whatever is required for the recognition. So we hope in future also we get all the facilities and benefits from the government as other games. I am Shruti, President of Karnataka State Sister Ball Association.